हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं फिर से आप लोग लाया हूँ एक छोटा सा उत्तराखंड एमसीक्यू आपके आने वाले आरओआरओ लोअर पीसीएस के एग्जाम के लिए। 18 जून डेट याद रखिएगा, आपका आरओआरओ का प्रीलिम्स का पेपर है। तो ये पांच क्वेश्चन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा पांच में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तीन कथन आपके दे रखे हैं, देखिएगा पढ़िएगा इसको आराम से। पहला है, डोबरा चाटी जो ब्रिज है वो 15 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका ये रहा। दूसरा है, इस ब्रिज का डिजाइन जो है वो चाइना की कंपनी ने बनाया है। ठीक, और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो है, इस ब्रिज की कुल लंबाई 1000 मीटर है। नीचे आपके यहाँ पे आंसर दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है। 10 सेकंड का समय लेंगे। ठीक है, चलिए आंसर आप लोग डिसाइड कर चुके होंगे। तो ये जो मैंने क्वेश्चन रखा है, जो मैंने ये टेस्ट सीरीज बना रखी है उत्तराखंड के लिए, अपर पीसीएस लोअर आरओ, उसी में से मैंने ये पांच क्वेश्चन छाटे हैं। अगर आप तक अपने मेरी टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेस्ट सीरीज का, जाके परचेज कीजिए और अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा बनाइए। चलिए भाई, इसका जो बच्चों आंसर है वो है आपका डी, यानी कि असत्य। चार, तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो क्या है आपके, गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर टू में आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, उत्तराखंड में कुल कितनी तहसील है। ठीक है, हमारे यहाँ बता रहा है कितनी तहसील है। 10 सेकंड का समय लेंगे आप। चलिए, इसका जो बच्चों आंसर है वो है सी, हमारे यहाँ 110 क्या है तहसीलें हैं। क्वेश्चन नंबर तीन को देखेंगे, उत्तराखंड को प्राकृतिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तीन भाग है, चार है, पांच है, सात है। ध्यान रखिएगा किस बेसिस पे है, प्राकृतिक बेसिस पे, नेचुरल बेसिस पर है। चलिए बच्चों, इसका आंसर बहुत आसान है, आप लोगों ने निकाल लिया होगा। इसका जो आंसर है डी आंसर है, 7 भागों में बांटा गया है। यहाँ अगर आप मेरा कोर्स परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। आरओआरओ प्रीलिम्स मेंस का मैंने तैयार कर रखा है, लोअर पीसीएस प्रीलिम्स का तैयार कर रखा है, जनरल स्टडीज का। इसमें आपको वीडियोज मिलेंगे, एमसीक्यू क्विज मिलेगा आपको, एमसीक्यू ऑनलाइन, और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। इसका जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये मैच द फॉलोइंग बता रहे हैं आपको, या सारे मैच द फॉलोइंग सही हैं, या सारे ही गलत हैं, या एक गलत है, या दो गलत है, ऐसे। ये जगह दे रखी है, फेमस जगह है ना, पानी, और कहां पर है। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है, देखिए नाला पानी देहरादून में है, और डंडा पानी आपका पौड़ी बिल्कुल सही है, और नाला पानी रुद्रप्रयाग में, यानी कि इसका आंसर बच्चों बनेगा सी। और फिफ्थ यानी कि लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए आंसर निकाल लिया होगा आपने इसका बच्चों, आंसर है आपका क्या, सी। तीनों सही है, धारा पानी पिथौरागढ़, केला पानी केदारनाथ, पटेल पानी आपका कानगढ़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके पांच में से कितने सही निकले।